हरे कृष्ण। भागवतम में वर्णित कई शुद्ध भक्तों में से एक महारानी कुंती द्वारा की गई प्रार्थनाएं भागवतम की पहली विस्तारित प्रार्थनाएं हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता व मधुरता की अत्यंत सुंदर झलक देखने को मिलती है। हजारों वर्षों से ऋषियों तथा दार्शनिकों द्वारा इनका श्रवण, वाचन एवं गायन होता आया है। दार्शनिक, धार्मिक एवं साहित्य की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना मानी जाने वाली इन प्रार्थनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे श्रीमान रूप विलास प्रभु जी। हमारे वक्ता श्रीमान रूप विलास प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय के नरसी मौनजी कॉलेज से कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं, जिसके उपरांत वे अपने पिता का व्यवसाय संभाल रहे हैं। सन 1997 में इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद 2002 में प्रभु जी आधिकारिक रूप से दीक्षित हुए। सन 2007 में भक्ति शास्त्री की डिग्री प्राप्त करने के बाद 2010 से वे इस्कॉन जुहू में भक्ति शास्त्री के अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वह इसके साथ साथ वे भगवद गीता पर सेमिनार तथा गृहस्थ भक्तों के आध्यात्मिक जीवन में विकास हेतु उन्हें परामर्श भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं कुंती महारानी के शब्द ज्ञान से सने दैवी प्रेम को दर्शाती इन प्रार्थनाओं को श्रीमान रूप विलास प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो आज कुंती स्तुति के 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 27वां दूसरा शब्द हम लेने वाले हैं। तो पहले उस श्लोक को हम पढ़ लेते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो आज के सत्र में हम जो दूसरा शब्द है निवृत्त गुण वृत्तये, इस पर हम चर्चा करेंगे कि कुंती माता क्यों कहते हैं कि आप निवृत्त गुण वृत्त है। तो इन तीन, ये तीन शब्द है निवृत्त गुण और वृत्तये। तो निवृत्त का मतलब है रिटायरमेंट और गुण का मतलब है प्रकृति के तीन गुण और वृत्तये के मतलब है कार्य। ये दोनों वस्तु ऑपोजिट है। एक तो निवृत्त और वृत्तये, ये कैसे संभव है कि भगवान को निवृत्ति भी कहा भी जाता है और वृत्तये भी कहा भी जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि मेरे जन्म और मेरे कर्म ये दिव्य है, ये भौतिक नहीं है, ये त्रिगुण, ये भक्ति, ये जो प्रकृति के तीन गुण के अंतर्गत नहीं आते। दूसरा के जो भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके भी कार्य निवृत्त गुण वित्तये होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ के प्रकृति के जो तीन गुण हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं उससे कर्म बंधन लगता है, वो हमें कर्मों के बंधन में बांधते हैं। मगर भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वही वास्तविक बुद्धिमान मनुष्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? अकर्म क्या है? अकर्म वो कार्य है जो भगवान के संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य किया जाता है, गुरु को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसे अकर्म कहा जाता है। एक छोटा सा अकर्म का उदाहरण देना चाहता हूं। युद्ध हो रहा था और सैनिक गए बॉर्डर के ऊपर,
वो वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं और हजारों में सैनिकों का वहां पे शहीद हो गए और सामने वाले भी उन्होंने बहुत जनों को मार दिया। जब उस सामने वाले शत्रु को जब मार रहे थे तो उन्हें आनंद आ रहा था, और जब यहां पे लोग आए तो यहां पे जो जितने भी लोग थे उनका वाह वाह कर रहे थे। भारत के लोगों ने उनकी बहुत बड़ाई की और सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने शत्रु के सैनिकों को मार दिया। जब उस सैनिक अपने घर पे गया तो पार्टी मनाने लग गया, और पार्टी मनाते मनाते उन्होंने दारू पिया। दारू पीने के बाद में बाजू वाले से झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद में उन्होंने वही जो गन थी जो उन्होंने शत्रु को मारने के लिए वापरी थी वो उससे मारने के लिए वापर दी। अभी उसने उस बाजू वाले को मार दिया उसी गन से। अभी इस टाइम पे सरकार आती है और उसको पकड़ के जेल में डाल देती। कार्य तो उसने एक ही किया, समान रूप से कार्य किया। यहां पे उसने शत्रु को मारा उस गन से, यहां पे उसने बाजू वाले को मारा। मारने का काम तो एक ही है, मगर यहां पे उसको दंड मिला, जेल में गया, और वहां पे उसको शाबाशी मिली। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि वहां पे उसने देश के लिए किया, वहां पे उसने उसने सरकार के लिए किया, अपने लिए नहीं किया, और यहां पे उसने अपनी निज इंद्रियों की और पर्सनल के लिए किया। तो जब आप कोई भी काम पर्सनल के लिए करते हो तो उसे कर्म बंधन लगता है, मगर जब आप कोई भी कार्य भगवान के लिए करते हो तो अकर्म में जाता है। भगवान स्पष्ट बताते, यत करोषि यद अश्नाशि यद जुहोषि तदाशियत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभा शुभ फलेरेवम् मोक्षयसे कर्म बंधन संन्यास योग विमुक्ता मुक्त संग परम भज। मतलब कि आप जब भी भगवान के लिए कोई कार्य करते हो तो आपके कर्म बंधन कट जाते हैं और ये अकर्म है। जितने भी भक्त होते हैं वो निवृत्त गुण वृत्त होते हैं, और भगवान के भी जो कार्य होते हैं वो तीनों गुणों से परे होते हैं, रस के स्तर पर होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, वीर रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस। ये सब रसों के अंतर्गत वो कार्य भक्तों को आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और खुद उस रस का आस्वादन करने के लिए वो कार्य करते हैं। इसीलिए उनके कोई भी कार्य प्रकृति के तीन गुण जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के आधार पर नहीं रहते, क्योंकि ये तीनों गुणों का आधार शरीर रहता है और शरीर की निजी इंद्रिया तृप्ति रहती है। मगर भक्त और भगवान का जो कार्य रहता है वो भक्त का तो कार्य भगवान की इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए वो अपना काम करता है। तो जैसे कि उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज राजा थे, लेकिन वो क्या करते थे? वो अपने आंखों का इस्तेमाल भगवान के दर्शन के लिए करते थे, वो अपने कानों का इस्तेमाल भगवान की कथा सुनने के लिए करते थे, वो अपनी जीवा का इस्तेमाल भगवान का कीर्तन करने के लिए, भगवान का प्रसाद खाने के लिए करते थे, वो अपने पैरों का इस्तेमाल भगवान के मंदिर में जाने के लिए करते थे, वो अपने हाथों का इस्तेमाल भक्तों की सेवा और भगवान के विग्रह की सेवा करने के लिए करते थे, और अपने मन का हमेशा स्मरण चिंतन भगवान को कैसे संतुष्ट करे। तो जब ऐसे कार्य करते रहते हैं तो ये होता है निवृत्त गुण वित्तय। प्रभुपाद के कार्य, प्रभुपाद जब अमेरिका गए उनके पास कुछ धन कुछ संपत्ति नहीं थी, फिर भी वो रात दिन भागवत के ट्रांसलेशन में और प्रचार में रहते थे। और जब वो निवृत्त गुण वृत्तीय में रहते थे तब जाके उन्होंने पूरे संसार का उद्धार किया। तो भक्तिमय कार्य, भगवान के भी जो कार्य रहते हैं वो तीनों गुणों से परे रहते हैं, और भक्त के भी जो कार्य रहते हैं शुद्ध भक्त के कार्य वो तीनों गुणों से परे रहते हैं। क्योंकि
भक्त जो रहता है उसकी कोई अभिलाषा नहीं रहती है खुद की निज इंद्रिय तृप्ति की। भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में वो कि भाई जो वास्तविक भक्त रहता है वो ज्ञान की ये भक्तिमय ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्मों को भस्म कर देता है, क्योंकि वो अभी अपनी निज इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो कृष्ण की इंद्रिय की, भक्तों की इंद्रियों की और भगवान ये वैष्णव की सेवा करने के लिए अपना जीवन दे रहा है। और ऐसा जब वो कार्य करता है तब वो खुद का तो उद्धार करता है, पूरे विश्व का भी उद्धार कर देता है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी महाराज जब बाहर निकले थे तो उन्हें वरदान था कि माया उनको टच नहीं करेगी। वो 16 साल तक माँ के गर्भ में थे क्योंकि उनको वो आना ही नहीं चाहते थे, ये प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत में रहना ही नहीं चाहते थे। वो जैसे ही बाहर आया अपनी नाल लगाया 16 साल की उम्र में, सीधे सीधे सुखदेव गोस्वामी महाराज जंगल में चले गए। वो तो व्यासदेव उनके पीछे जोड़ रहे, हे पुत्र आप कहाँ जा रहे हो। उनको कोई रस नहीं था मगर फिर भी भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान के कार्य इतने रसमय हैं कि ऐसे निवृत्त भी आकर्षित हो जाते हैं। जब उन्होंने वन में भागवतम का वो श्लोक सुना कि ये भगवान कितने दयालु है, भगवान उस पूतना जो आई थी मारने के लिए विष लगा के, वो जब उनका स्तनपान दिए तो भगवान ने ना तो उनका विष तो ले लिया लेकिन उनके पाप भी हरण कर लिए और साथ साथ में उनको माता का स्थान दे दिया। जब ये बात सुखदेव गोस्वामी महाराज ने सुनी तो उन्हें आश्चर्य लगा कि ऐसे कैसे दयालु भगवान है, जो खुद परब्रह्म है और खुद निर्गुण वृत्ति है, उनकी ऐसी वृत्ति कैसी। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज आकर्षित हुए भगवान के उस कथा कीर्तन की तरफ। और कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी महाराज जहां गाय धूती है उतने समय तक रहते हैं मगर फिर भी वो 7 दिन 7 रात तक परीक्षित महाराज को कथा सुनाते रहे। क्यों? क्योंकि वो वृत्ति कृष्ण को प्रसन्न करने वाली थी और ये वृत्ति होती है निवृत्त गुण वृत्तये। तो ये जो हमें समझना चाहिए कि अगर हम ये निवृत्त गुण वृत्ति नहीं कार्य करते हैं तो हम प्रकृति के जो तीनों गुण हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण में बहुत फंस जाते हैं। भगवान बताते हैं देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्तया माममेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। ये प्रकृति के तीन गुण बहुत कठिन है और इसे ये जो मेरी प्रकृति को पार करना इतना कठिन है लेकिन जो मेरे शरण में आता है वो ही इसे पार कर पाता है। तो जितने भी भक्तों के कार्य रहते हैं वो प्रकृति के निवृत्त गुण, जैसे हनुमान जी क्या काम करते रहते हैं, दो ही काम है उनका, हमेशा भगवान का नाम कीर्तन करते रहते और भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, और अगर जब भगवान की सेवा आता है तो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। दो ही जीवन में कार्य है और अभिलाषा उनकी कुछ भी नहीं है कि उनको कुछ मिले। एक बार सीता माता ने हनुमान जी को एक माला प्रदान की कि भाई आपके सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं और ये माला ले लो। तो माला हनुमान जी क्या करने लगे, दांत से तोड़ने लग गए और हनुमान जी देखना चाहते तो तोड़ तोड़ के देख रहे थे। सीता माता पूछ रही है कि हनुमान जी को आप क्या कर रहे हो ये, तब हनुमान जी बोल रहे कि मैं इसमें देख रहा हूं राम है क्या, क्योंकि अगर इस वस्तु के अंदर राम नहीं है और तो फिर ये वस्तु मेरे किस काम की। तब लक्ष्मण जी बोलते अच्छा ऐसा है तो आपके अंदर भी राम है क्या। तो हनुमान जी बोले अगर मेरे अंदर राम नहीं है तो मेरा ये शरीर भी कोई काम का नहीं, और उन्होंने अपनी छाती फाड़ के दिखाई और छाती फाड़ के दिखाने के बाद उन्होंने देखा कि राम और सीता जी उनके हृदय में वास कर रहे हैं। तो जो निवृत्त गुण वृत्त होते हैं भक्त उनके हृदय में हमेशा भगवान वास करते हैं। भगवान के जितने भी कार्य है ये
जो रस के अंतर्गत पड़ते हैं, ना के प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत पड़ते हैं। माया देवी हमेशा हमें ये तीन गुण के अंतर्गत रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि हमें भोगी बनना है, हमें ओनर बनना है, और हमें एंजॉयर बनना है, सीईओ बनना है। हम बोलते हैं कंट्रोलर, एंजॉयर, ओनर। जब आप में ये वृत्ति रहती है तो हम कभी भी निवृत्त गुण वृत्ति के स्तर पर कार्य नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा ये तीनों गुणों के अंतर्गत में कार्य करेंगे, और जो भी ये तीनों गुणों के अंतर्गत में कार्य करते हैं उसे कर्म बंधन लगता है, और कर्म बंधन का परिणाम क्या होता है? अच्छे फल, बुरे फल और मिश्रित फल। और इन फलों का परिणाम ये होता है कि हमारे जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, और ये जीव का सबसे बड़ा पराजय है। और इसीलिए कि भगवान आप जब अवतरित होते हो तो आप जो कार्य करते हो, कुंती माता कहती है ये प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर है, और आप जो लीला, आप जो कार्य करते हो वो एक मटेरियल बन जाता है, एक वो वस्तु बन जाती है जिसके द्वारा भक्त उसका स्मरण कर सके, भक्त उसकी कथा कर सके, भक्त उसका कीर्तन कर सके, और वो उसके वो बन जाता है कार्य, ऐसा कार्य बन जाता है जो निवृत्त गुण वृत्तय के कार्य होता है। तो हमें एक बात इस वस्तु से समझनी चाहिए, ये श्लोक से समझने का प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद और जितने भी हमारे आचार्य हुए, भगवान भी जब अवतरित होते हैं तो वो चाहते हैं कि जीव कैसे भी मेरे प्रति आकर्षित होवे और जीव मेरे धाम में आ जाए। और जब तक जीव अपने मूल स्थान गोलोक वृंदावन में वापस नहीं जाएगा, वो इस दुखालय संसार में भटकते रहेगा और दुखी होते रहेगा। और ये दुख से निकलने के लिए हमें ये निवृत्त गुण वृत्ति को अपनाना पड़ेगा, और ये जो निवृत्त गुण वृत्ति को तभी हम अपना सकते हैं जब हम गुरु परंपरा में किसी गुरु के शरण में जाके उनकी सेवा में, उनके मार्गदर्शन में कार्य सीखे कि कैसे हम ये कार्य करें। प्रभुपाद हमारे आचार्य है, उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है, और इस्कॉन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रसाद सेवा है, कथा है, वितरण है, सेवा है, बहुत सारे कार्य है जो हम कार्य करके इस निवृत्त गुण वृत्ति को हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग बना सकते हैं और हमारा जीवन सफल कर सकते हैं। तो ये जो निवृत्त गुण वृत्तय के कार्य हमें समझना है, और जो नवदा भक्ति के प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो निवृत्त गुण वृत्तय मतलब भगवान का श्रवण, निवृत्त गुण वृत्तय मतलब भगवान का कीर्तन, निवृत्त गुण वृत्तय मतलब भगवान का नाम स्मरण, निवृत्त गुण वृत्तय मतलब भगवान का पाद सेवन, निवृत्त गुण वृत्तय मतलब भगवान का अर्चनम, वंदनम, भगवान की स्तुति, निवृत्त गुण वृत्तय मतलब आप भगवान के सखा के रूप में कार्य करते हो, दास के रूप में कार्य करते हो, और आत्मनिवेदनम। ये जो नौ प्रकार की जो भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार के कार्य को निवृत्त गुण वृत्तय कहा जाता है। और यही नव वृत्ति जब हम करते हैं तब हमारा जीवन की सार्थकता पूर्ण होती है, और उसी वृत्ति को करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। अंते नारायण स्मृति, कि जब तक अंत में हमें भगवान नारायण की स्मृति नहीं आती तो ये जितना भी हमारा कार्य है वो सब बेकार है। तो ये जब निवृत्त गुण वृत्त ये करते हैं तब जाके हमें भगवान का अंत में स्मरण में याद आता है।